और हजरत अली बासर रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया करते थे कि मौत विसाल का नाम है, मौत विसाल का नाम है और जिंदगी फराग का नाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुछ जी शऊर बनने की कोशिश करने वाले लोग ऐसे हैं कि उनके पास अकल नाम की चीज कोई नहीं। वो कहते हैं कि उस दिन तो वो दुनिया से गए हैं और तुम उसे उर्स कहते हो, तो एक जुमले में बात खत्म। मौत वसाल का नाम है, जिंदगी फराग का नाम है। मौत वसाल मेरे लिए नहीं, ये शेख अब्दुल कादर जिलानी अजमेरी के लिए है, शाह नक्शबंद बुखारी के लिए है, शहाबुद्दीन सुहरावर्दी के लिए है, गाजी इलमदीन शहीद के लिए है। गाजी साहब को कायदे आजम ने भी कहा एक दफा, कह दिया तूने कत्ल नहीं किया तो मैं वादा करता हूँ कि फांसी नहीं होने दूंगा। तो वो स्टेटमेंट जो इलमदीन ने जेल में कही थी वो आज भी हम तक पहुंची। उसने कहा कि ए कायद आप आए, आपका शुक्रिया, मगर ये बात आप भी जान ले, बाद में आने वाले भी जान ले कि एक ही काम तो मैंने किया है। आप कहते हैं मैं कहती हूँ मैंने कुछ नहीं किया, जिंदगी में उन्होंने किया ही कुछ नहीं, इल्म दीन ने अगर किया है तो एक काम किया, यार की इज्जत पहना दिया है। अब बताओ तुम और मैं जिंदा रहने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, एहतियात इख्तियार करते हैं, और यहाँ पे जिनको कहा जा रहा है कि जिंदगी ले लो वो कहते हैं नहीं मौत चाहिए। तो इसका मतलब ये बात समझ आ रही है कि मौत विसाल का नाम है किन के लिए, जो आशिक है, जो आशिक है। मेरे लिए तो मैंने घर भी छोड़ के जाना है, औलाद छोड़ के जानी है, वालदा छोड़ के जाना है, हमारे लिए वो दुख का अलमिया है। और जो सूफिया है, जो आशिक है, वो कहते हैं कि जो कल आनी है वो आ जाए, जो कल आनी है वो आ जाए। पीर